वेलकम टू सेवन क्लास। आज हम लोग थ्री पार्ट पढ़ेंगे, वीडियो नंबर थ्री। पहले वीडियो नंबर में हम पढ़े थे कि मैंने कबड्डी कब से खेलते आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में पढ़े कि कबड्डी में प्राप्त होने वाले अंक के बारे में। अब तीसरे वीडियो में पढ़ते हैं कि कबड्डी के कितने नियम होते हैं। कबड्डी के 22 नियम होते हैं। कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो नियम है इस प्रकार। पहला नियम है कि प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक समय में केवल 7 ही मैदान में उतरते हैं। शेष 5 खिलाड़ी सुरक्षित होते हैं, जिनका विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। यानी एक तरफ 7 खेलते हैं, एक तरफ 7, और 5 इधर बैठते हैं और 5 इधर बैठते हैं। उनको विशेष परिस्थितियों में बुलाया जाता है, जैसे खेलते खेलते किसी को चोट लग गई या कुछ हो गया उस परिस्थिति में। दूसरा नियम है, मैच की अवधि 40 मिनट की होती है, जिसे 20-20 मिनट की दो अवधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। बीच में 5 मिनट का विश्राम भी दिया जाता है। 20 मिनट के बाद दोनों टीमें अपना क्षेत्र बदल सकती हैं। महिलाओं और जूनियर खिलाड़ियों के लिए यह अवधि 15 मिनट की होती है। जब ये मैच खेलते हैं तो 20 मिनट की होती है, लेकिन 20-20 मिनट का होता है। 20 मिनट इधर, 20 मिनट मैंने 20 मिनट के बाद एक खेल लिया, फिर 5 मिनट बीच में विश्राम किए, फिर 20 मिनट के बाद क्या करते हैं, इधर से उधर अपना कोर्ट बदल करके खेलते हैं। तीसरा नियम है, जो टीम टॉस जीतती है अपने पसंदीदा या केवल पाले का चुनाव करती है या प्रथम आक्रमण का। यानी पाला है ना, कोर्ट का बोलते हैं इसको, हिंदी में पाला बोलते हैं। जो मान लो कि टॉस जीत गया तो वो खिलाड़ी बोलेगा कि हम इधर कोर्ट में रहेंगे या इधर कोर्ट में रहेंगे, या पहले दूसरे विपक्षी को बोलता है कि आप पहले आइए, या खुद अपने जाता है, उनका ये हक बनता है। चौथा नियम है कि खेल के मैदान से बाहर जाने वाला खिलाड़ी को आउट माना जाता है। जैसे ये खेल का मैदान है, यहाँ तक मैदान है आरक्षित है, यहाँ तक तो आएंगे तो आउट नहीं होगा, लेकिन इसके बाहर चला गया कोई तो उसको आउट माना जाएगा। खेल प्रारंभ होने, 5 नियम है, खेल प्रारंभ होने के बाद लॉबी को भी मैदान का हिस्सा माना जाता है। जैसे इसका इंग्लिश में लॉबी, आरक्षित क्षेत्र को इंग्लिश में लॉबी बोलते हैं। ये भी खेल का ही मैदान है, चारों तरफ से होता है, इधर भी, लेकिन इधर नहीं, अंतिम रेखा होता है। अगर उसमें भी कोई खेलते खेलते चला जाता है तो आउट नहीं होता है। 6 नियम है, बचाव करने वाली टीम के खिलाड़ी का पैर पीछे वाली रेखा से बाहर निकल जाने पर उसे आउट माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि खेलते खेलते इधर आया इस खिलाड़ी, अपने बचाव के लिए इधर आरक्षित रेखा से इधर निकाल लिया है, इधर निकाल लिया, तो उसको आउट माना जाता है। रेड करने वाला खिलाड़ी लगातार कबड्डी बोलता रहता है, यदि वह सांस तोड़ देता है तो उसे आउट माना जाता है। मान ली कि वो जा रहा है खेलते खेलते और कबड्डी बोल रहा है, और वो सांस तोड़ देता है बीच में ही, तो उसको भी आउट माना जाता है। 8 नंबर है, एम्पायर द्वारा रेडर को किसी नियम के उल्लंघन पर सचेत करने के बाद भी यदि वह नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी बारी समाप्त कर दी जाती है तथा विपक्ष को एक अंक दे दिया जाता है, किंतु रेडर को आउट नहीं किया जाता है। जैसे मान लो कि खिलाड़ी दोनों तरफ से खेल रहे हैं, कभी झगड़ा कर देते हैं, कभी उसको धक्का दे देते हैं, वो एम्पायर के बात नहीं मानते हैं, तो उसको आउट कर दिया जाता है, बाहर बैठा दिया जाता है। एक दूसरे वाला विपक्षी को जिस तरफ का होता है उसको कर दे, दूसरे वाले विपक्षी को एक अंक दे दिया जाता है। 9 नियम है, जब रेडर पीपल्स टीम में होता है और सांस तोड़ देता है तो एम्पायर उसे वापस भेज देता है और उसके द्वारा छुए गए विपक्षी खिलाड़ी आउट नहीं माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि विपक्षी का इधर का एक इधर का दोनों खेल रहे हैं, इधर से खेलते खेलते आया और किसी को छुआ या बोनस रेखा पर आ गया और यहीं पर सांस तोड़ दिया, तो उसको
आउट माना जाता है, उसको अंक नहीं मिलेगा। अब 10 नियम है, यदि किसी टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी बच जाते हैं तो उस कप्तान को अधिकार होता है कि वह अपनी टीम के अन्य सदस्यों को बुला सकता है, इसके बदले विपक्ष को उतने अंक या लोना के 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। मान लीजिए कि दोनों तरफ से खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसके पास एक ही टीम बचा है या 2 बचे हैं, सब आउट हो गए, इसके पास खिलाड़ी है, जो आरक्षित और रखे गए थे खिलाड़ी 5 उसमें से अपने टीम में बुलाएगा तो जितने माना 2 को बुलाएगा तो इनको 2 अंक मिलेगा, 3 बुलाता है तो इनको 3 अंक मिलेगा। आगे के लाइन है, आगे है 11 नंबर, रेडर यदि बोनस रेखा को पार कर लेता है तो उसे 1 अंक दिया जाता है। मान लीजिए कि इधर का पच कर रहे मैंने खेलते खेलते इधर आ गया, ये बोनस रेखा को यहाँ आ गया, इधर का पच वाला कोई नहीं पकड़ा और अपने कोर्ट में आ गया तो इसको 1 अंक मिलता है इस वाले पच को। 12 नंबर है, मध्यांतर के बाद पाले का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे 20 मिनट हो जाता है तो दोनों एक इधर वाले पच को इधर, इधर वाले को इधर कर दिया जाता है। यदि किसी खिलाड़ी का कोई अंक क्रीड़ा क्षेत्र से बाहर की जमीन को स्पर्श करता है तो उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। मान लो कि खेलते समय कोई भी खिलाड़ी हो बाहर वाले क्षेत्र में स्पर्श करता है यानी भाग जाता है, चला जाता है, तो उसको भी आउट कर देते हैं। 14 नंबर है, असभ्य या उदंड व्यवहार के लिए एम्पायर खिलाड़ी को चेतावनी दे सकता है, विपक्ष को अंक दे सकता है अथवा खिलाड़ी को अपात्र भी घोषित कर सकता है, यहाँ तक कि टीम को भी अपात्र घोषित कर सकता है। मान लीजिए कि दोनों तरफ खिलाड़ी है, एक तरफ का खिलाड़ी असभ्य माने व्यवहार करने लगा, झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, जो कप्तान होता है अपात्र टीम घोषित कर देगा, जो जो खेलेगा कोई खिलाड़ी रहेगा उनको कर देगा, वहाँ से हटा देता है। 15 नंबर है, खेल के समय एक रेफरी एम्पायर, एक अंक लेखक तथा 2 सहायक अंक लेखक का होना अनिवार्य। जब खेल खिलाया जाता है तो एक रेफरी होता है, एक एम्पायर होता है, अंक लिखने वाले एक होते हैं और 2 सहायक होते हैं, वो भी लिखते हैं। 16 नंबर है, विशेष परिस्थिति में कप्तान 2 बार टाइम आउट ले सकता है, या यह अवधि 30-30 सेकेंड की होती है, लेकिन इस अवधि में खिलाड़ी अपना स्थान नहीं छोड़ सकते। कोई परिस्थिति आ जाता है, खेलते खेलते यहाँ से कबड्डी आया, वो गिर गया या उसको टच भी नहीं किया, कुछ हो गया, तो उस स्थिति में वो खिलाड़ी 30 सेकेंड का अपना अवधि ले सकता है, माने रेस्ट के लिए, फिर आकर के दोबारा खेलेगा, उसको आउट नहीं माना जाता है। 17 नंबर है, कोई भी खिलाड़ी किसी रेडर या किसी अन्य खिलाड़ी को धाका देकर गिराने की चेष्टा नहीं कर सकता है, जैसे कबड्डी खेलते समय एक पक्ष या दूसरा पक्ष की कोई किसी को धाका देकर माने गिराने का माने नहीं गिरा सकते हैं। 18 नंबर है, बिना पारी किसी रेडर के विपक्ष टीम में रेड करने पर एम्पायर उसे वापस भेज सकता है, यदि ऐसा बार बार होता है तो एम्पायर उसे चेतावनी दे सकता है या विपक्षी टीम को अंक भी दे सकता है। क्या करते हैं कबड्डी खेलने वाले, इधर से इधर का तैयार रेडी नहीं है, इधर का एक अचानक आ गया इधर कबड्डी बोलते बोलते, तो क्या करेगा एम्पायर इसको वापस भेज देगा, इसको 1 अंक आरक्षित दे देगा। जब दोनों तरफ का रेडी हो जाए तभी खेलना चाहिए। 19 नंबर है, जब कोई टीम विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे 1 लोना अर्थात 2 अंक मिलते हैं। मान लीजिए कि कोई भी पक्ष, इधर वाला पक्ष या इधर पक्ष, सारे को आउट कर दिया तो उसको जैसे उसको लोना बोलते हैं और उसमें 2 अंक दिया जाता है। 20 नंबर है, विपक्षी टीम के खिलाड़ी उसी क्रम में जीवित किए जाते हैं जिस क्रम में वे आउट होते हैं,
मान लो कि दोनों पक्ष का है, एक पक्ष का एक विपक्षी का, मान लीजिए कि इधर का एक माने बोलते हैं कि आउट हो गया, तो इधर में जो आउट हुआ था उसको वो जीवित कर दिया जाता है। 21 नंबर है, एक बार बदले गए खिलाड़ी को पुनः खेल में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे खेलते समय किसी खिलाड़ी को बदल लिए हैं तो उसको दोबारा चाहते हैं कि आए तो नहीं आ सकता है। लास्ट नंबर है 22 नंबर, यदि निश्चित अवधि के अंदर दोनों टीमों के अंक समान होते हैं तो अतिरिक्त अवधि दी जाती है और प्रत्येक टीम को 5-5 रेड दी जाती है। मान लीजिए कि समय रहते हुए भी दोनों का खेल समाप्त हो गया, बराबर बराबर अंक आया, तो उनको खेलने के लिए समय दी जाती है। थैंक यू, कबड्डी के नियम जाने। ओके।